हेलो एवरीवन, आप लोगों ने आई होप पहले जितना पढ़ाया था एग्ज़ाम्पल नंबर 2 तक वो सभी आप लोग क्लियर का हो गया होगा। घर पे प्रैक्टिस किया होगा आपने कॉइन्स लेकर और डाइस लेकर, है ना। तो आज अपने आगे का करने वाले लेसन में, जिसके अंदर अपने को थोड़ा और हाई लेवल पे दिया है, पहले एक कॉइन का दिया था, फिर दो कॉइन का दिया, अब अपने को डाइस का दे रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो आज अपने और ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स बिगिन। एग्जांपल नंबर 3, जिसमें क्या बोला है अपने को, इसमें क्या बोला है, ए डाई इज थ्रोन 1000 टाइम विथ द फ्रीक्वेंसीज फॉर आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। अपने को एक डाइस को 1000 बार फेंकना है, ठीक है। तो उसके अंदर मान लो एक कितनी बार आया, 179 बार, 179 बार आया 1, 2 कितनी बार आया 150 टाइम्स, 3 कितनी बार आया 157 बार। इस तरह से इन्होंने 6 तक की संभावना दी है कि एक आया कितनी बार, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, सबकी अलग अलग इन्होंने संभावना दी है, ठीक है। तो अब आपको अलग अलग की संभावना बतानी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम्स 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बताओ जल्दी से 1 कितनी बार आएगा, 179 बार। और हमेशा मैंने बोला हुआ है आपको, पहले कल बोला था कि इसके अंदर 1000 हमेशा टोटल हमेशा क्या रहता है, जो टोटल कितनी बार अपने थ्रो कर रहे हैं वो लिया जाता है, नंबर ऑफ टोटल टाइम्स, ठीक है, जितनी बार अपने ने थ्रो किया। 1 कितनी बार आया, 179 अपॉन 1000, और फिर वो 3 बार 3 0 है तो 3 डिजिट को छोड़कर डेसिमल का यूज करेंगे। इस तरह से इन्होंने 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की सबकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने कैलकुलेट कर ली। मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि सबका टोटल कितना आना चाहिए, हमेशा सबका टोटल 1 ही आना चाहिए। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो, जैसे कि पहले 1 आने की संभावना कितनी थी, 0.0.179, फिर 2 आने की संभावना कितनी थी, 0.15, इसके आगे 0 अपने मन से लगा सकते हैं अपने, फिर इसमें 0.157, फिर 0.149, फिर 0.175, 0.190। अब आप इनका टोटल करके देखिए, अगर इनका टोटल 1 आ रहा है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आपने कैलकुलेट सही की है, अदरवाइज आपकी प्रोबेबिलिटी रॉन्ग है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन मेरे हिसाब से तो 1 आ रहा है, आप भी देखिए कैलकुलेट करके किसका कैलकुलेशन 1 आ रहा है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन्होंने बोला हुआ है कि एक आपको क्या दिया है, टेलीफोन नंबर दिए हैं, ठीक है, एक डायरेक्टरी है टेलीफोन नंबर की, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूशन किया है अलग अलग डिजिट को। जैसे कि एक नंबर, फॉर एग्जांपल इन्होंने ये नंबर लिया है, नंबर दिख रहा होगा आपको 2582857 3, ये नंबर है, ठीक है ना। इसको इन्होंने एक टेबल्स में फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस नंबर को डिवाइड कर लिया है, दो दो नंबर को, ठीक है। तो डिजिट 0 डिजिट लिखा पहले इन्होंने, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरह से इन्होंने एक इंडेक्स दी है, ठीक है, कि 0 डिजिट वाले नंबर है 22, 1 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले कितने हैं, 3 डिजिट वाले कितने हैं, डायरेक्टरी में ये सारा इन्होंने एक इंडेक्स में अपने ने लिख लिया है, ठीक है। अब आपको अगर पूछे कि 6 डिजिट आने की संभावना कितनी है भाई, 6 डिजिट आने की संभावना कितनी है, 14, और टोटल नंबर कितने हैं बेटा, टोटल नंबर अपने को दिए हुए हैं, टोटल नंबर टेलीफोन में टोटल नंबर कितने हैं, 200 नंबर है टोटल, 200 नंबर है, तो टोटल में 200 हो जाएगा अपॉन 14 अपॉन 200, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली है।
अगर वही मैं अगर आपसे पूछूं कि 7 नंबर आने की संभावना कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? 7 नंबर आने की संभावना कितनी है? 28 है, दिया हुआ है ना, और अपॉन में हमेशा कितना आता है? 200 ही आता है। तो ये दोनों कट के 14/100 हो रहे हैं, तो फिर 0.14 लिख सकती हूँ ना मैं। इस तरह से 1 आने की संभावना 26 हो जाएगी, 2 आने की संभावना डायरेक्टरी में 22 है। इस तरह से अपने को अलग अलग सारा लिख के कैलकुलेट करना है। समझ जाए दोनों एग्जांपल? एग्जांपल नंबर 3 में डाइस का दिया था, और इसके अंदर अपने को टेलीफोन नंबर का दिया था कि टेलीफोन नंबर है 200 नंबर दिए हुए एक डायरी के अंदर, जिसके अंदर जीरो कितने हैं, कितने नंबर में जीरो है? 22 नंबर में जीरो है। एक कितने नंबर में है? 26 नंबर में है। इस तरह से इन्होंने इंडेक्स बना के अपने को दी है, और अपने को क्वेश्चंस पूछे हैं, उनका आंसर्स देना है। बहुत ही इजी है ये सारे। अब एग्जांपल नंबर 5 देखिए। एग्जांपल नंबर 5 में क्या बोला है इन्होंने, कि ये बोल रहे हैं किसी स्टेशन के ऊपर क्या करते हैं, ये स्टेशन के ऊपर है ना, कोई फोरकास्ट वेदर का है, वो क्या है, कोई पास्ट का स्टेशन में वो पूरा का पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो फिर उसके हिसाब से वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, जैसे कि द रिकॉर्ड ऑफ वेदर स्टेशन सो द आउट ऑफ द पोस्ट पास्ट 250 कॉन्सिक्यूटिव डे। कॉन्सिक्यूटिव मतलब होती है कर्मागत, मतलब एक के बाद एक है ना, वैसे नंबर में इन्होंने क्या किया, 250 दिए हैं वेदर के, ठीक है ना, जिसके अंदर करेक्ट कितने हैं, 170 टाइम्स करेक्ट हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि करेक्ट आने की संभावना कितनी है, तो करेक्ट आने की संभावना, करेक्ट कितने थे, करेक्ट थे ही 175, 250 में से 170 टाइम करेक्ट थे। तो अपने को करेक्ट की पूछी है, तो करेक्ट का क्या हो जाएगा फिर, अपने करेंगे तो 175 अपॉन टोटल कितने थे, 250। इस तरह से अपने इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व तो आप कर लोगे ना, ये 5 की टेबल से हो जाएगा, या आप 15 के पहाड़े से कर सकते हो, 15 की टेबल से कर लो, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये बोल रहे हैं, अगले में बोल रहे हैं अपने को, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट वॉज नॉट करेक्ट। अब आप देखिए, 250 टोटल थे, 250 में से 175 टाइम्स तो क्या हो रहे हैं, करेक्ट हो रहे हैं 100, और बाकी जो 100 हैं 250 में से 170 टाइम 100 तो अपने राइट जा रहे हैं वेदर के 100, लेकिन बाकी बचे 100 कितने, बाकी बचे 75 है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट 100 का पूछा है, तो इनकरेक्ट 100 कितने हैं, ओनली 75 अपॉन टोटल 250 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा, ठीक है, डेट्स क्लियर। इस तरह से आप टोटल करना इन दोनों का, टोटल बार बार बोल रही हूँ, इनका टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आ गया तो अपना आंसर सही है, अदरवाइज अपना आंसर रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर अपने को बोला हुआ है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई चीज़ टायर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना, टायर का मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी है, वो क्या करती है, एक रिकॉर्ड बनाती है, ठीक है, कि कौन से टायर को कब रिप्लेस करना चाहिए, बिफोर या आफ्टर, इस तरह से वो अपना एक रिकॉर्ड बनाती है। कीप द रिकॉर्ड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बिफोर टायर नीड टू बी रिप्लेस। रिप्लेस करने से पहले, कितने डिस्टेंस से पहले उसको क्या है, टायर को रिप्लेस करना है, इस तरह का भी रिकॉर्ड तैयार करती है। तो ये टेबल अपने को दिया हुआ है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस, अगर वो 4000 से कम किलोमीटर जाता है कोई भी टायर, तो लेस देन फोर थाउजेंड डिस्टेंस कवर करने से पहले ही अगर अपने को उसको रिप्लेस करना पड़े, ऐसा कब कब होता है, 20 times होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 20 times, और 4000 से 9000 किलोमीटर तक कोई टायर अगर कवर करता है डिस्टेंस, ऐसे में कितनी बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है, 210 बार अपने को टायर को रिप्लेस करना पड़ता है। इस तरह से अपने को अलग अलग किलोमीटर का
टायर का रिप्लेसमेंट का अपने को दिया हुआ है। अगर मैं आपसे इसके अंदर पूछूं कि बताइए 210 टाइम की टायर को रिप्लेस करने के चांसेस कितने हैं, ठीक है, तो 210 बार रिप्लेस करने के चांसेस आप बता सकते हो 4000 से 9000 के बीच में है, ठीक है। और वही अपने को बोल दे प्रोबेबिलिटी निकालिए 4000 टू 9000 किलोमीटर की, तो अपने क्या करेंगे 210 अपॉन टोटल अपने को रिप्लेस कितनी बार करना है, ये रिजल्ट कितने का है, 1000 बार का है। 1000 बार क्या करना है अपने को, रिप्लेस करना है, ठीक है, तो 1000 बार रिप्लेस करना है अपने को, तो 210 है 4000 टू 9000 किलोमीटर, तो 210 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो फिर इस तरह से 4000 का पूछा है इन्होंने, 4000 में कितनी बार रिप्लेस करना पड़ेगा, 20 टाइम, 20 अपॉन टोटल कितना है, 1000, ठीक है ना। तो अपने क्या लिखेंगे इसके अंदर, 20 अपॉन 1000, और इसके अंदर टू डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो और लगाना पड़ेगा अपने को, फिर तीन ज़ीरो बना के अपने क्या करेंगे इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अंडरस्टूड? इस तरह से देखो अलग अलग निकाल के बताती हूँ आप लोगों को, इस तरह से अपने 210 का निकालना है, तो 210 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन टोटल कितना है, 1000, तो इसके अंदर तीन ज़ीरो है और तीन डिजिट है, तो 0.210 आ जाएगा, ठीक है ना। ये अपने को कब निकालना है, जब अपने को बोले 4000 टू 9000 का बताइए, तो अपने को ऐसा करना है, इस तरह से अपने को सबका अलग 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 करके बता देना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सेवन्थ एग्जांपल है जिसमें आपको क्या करना है, द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन द मंथली यूनिट टेस्ट गिवन बिलो। आप अपने ऊपर लेके देख लीजिए कि आपने मान लो एक महीने में कोई टेस्ट दिए हैं, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, फिफ्थ और फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से पाँच टेस्ट दिए हैं आपने, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट में आपने 69% ऑब्टेन किए, सेकेंड में आपने 71 ऑब्टेन किए, इस तरह से आपने अलग अलग मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको बेस्ड ऑफ डाटा से, 70% मोर देन आने की संभावना कितनी है, कि आपने 70 से मोर देन परसेंटेज कब कब प्राप्त किए हैं, सेकेंड टेस्ट में भी आपके 70 से मोर है, थर्ड में भी 70 से मोर है, फोर्थ में भी और फिफ्थ में भी, सिर्फ कम तो एक बार ही है ना। टोटल आपने टेस्ट कितने दिए हैं, पांच बार टेस्ट दिए हैं, ठीक है ना, पांच बार टेस्ट दिए हैं, जिसमें से आपको मोर देन 70% कब कब मिल रहे हैं, कितनी बार मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, द नंबर ऑफ यूनिट टेस्ट विच स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 70% मार्क इज 3 times, तो यहाँ पे टोटल पांच बार है ना, पांच बार दिए हैं, तो टोटल पांच टेस्ट लिखेंगे, टोटल की जगह 5 हो जाएगा, और 70% से मोर देन कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 71 है और यहाँ पर ये कितना है, 3 times है, 3 times 70% से मोर देन आ रहे हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, ये 71 भी 70 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर ये चेंजेस आएगा इसके अंदर, 70% से मोर देन आने के चांसेस 4 बार हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर आप इसको मॉडिफाई करके 4 times कर लीजिए, 4 times आएगा इसका आंसर, 4/5 हो के आपका आ जाएगा इसका आंसर 0.8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें बुक में थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। और यहाँ पर ये 68 है ना, तो 1, 2, 3 ही है ना, ओ सॉरी, सही है, ये 3 ही रहेगा, 3/5 = 0.6 ही रहेगा, यहाँ पे 78 नहीं 68 ही है ना, तो 3 बार आने की संभावना है 70 से ज़्यादा नंबर, 2 बार 70% से कम आएंगे, तो इसके अंदर आपके हो जाएंगे 3/5, ओके। देन एग्जांपल 8,
लेट्स बिगिन। एन इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड 2000 ड्राइवर्स एट रैंडम। एनी परफॉर्मेंस ऑफ वन ड्राइवर ओवर अनोदर। इन ए पर्टिकुलर सिटी टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन इज एंड एक्सीडेंट्स। द डाटा ऑब्टेन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। आपको एक इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने 2000 ड्राइवर को रैंडमली सेलेक्ट किया है, ठीक है ना, रैंडमली उनकी परफॉर्मेंस को वन ड्राइवर से दूसरे ड्राइवर की परफॉर्मेंस को देखकर उन्होंने क्या किया है, ड्राइवर को सेलेक्ट किया है, और कौन सी एज में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने इंश्योरेंस किए हैं। तो जिसको आपको टेबल में दिया हुआ है कि एक्सीडेंट ऑफ वन ईयर, एक साल में एक्सीडेंट 18 से 29 साल के ड्राइवर हैं जिन्होंने कितने एक्सीडेंट किए हैं, ठीक है ना, 3 से ज़्यादा कितने किए हैं, 0, 440 जिन्होंने तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं किया, और एक जन है जिसने 18 से 29 है जिन्होंने क्या किया है, एक साल में 0 साल में तो 440 कोई एक्सीडेंट नहीं हुए हैं, और एक साल के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर 160 एक्सीडेंट हुए हैं, दो के अंदर, तीन के अंदर, तीन से, इन्होंने 18 से 29 साल वालों ने इतने एक्सीडेंट किए हैं, 30 से 50 वालों ने इतने एक्सीडेंट किए हैं, और जो 50 से ज़्यादा उम्र के हैं, 50 के ज़्यादा एज के जो ड्राइवर हैं उन्होंने कितने एक्सीडेंट किए, 360 ड्राइवर तो ऐसे थे जिन्होंने 0 एक्सीडेंट किए, ठीक है ना, और बाकी जो एक्सीडेंट थे एक साल में 45 एक्सीडेंट किए, एक साल में 2 साल में 35, इस तरह से उन्होंने एक्सीडेंट बताए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है बेटा अपना कि 18 से 29 की एज में एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट एक साल में कितने उन्होंने किए हैं, 3 एक्सीडेंट किससे हुए हैं, 18 से 3 एक्सीडेंट 61 ड्राइवर से हुए हैं ना, 3 एक्सीडेंट किए हैं उन्होंने, एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट किए हैं 61 ने, ठीक है, 61 ड्राइवर ने, तो 60/61, और टोटल ड्राइवर्स कितने थे, 2000 थे ना, ऊपर दिया हुआ है 2000 ड्राइवर टोटल थे, 61/2000 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में क्या पूछा है, 30 से 50 साल के जो ड्राइवर थे, एज के जो ड्राइवर थे उन्होंने 1 से ज़्यादा कितने एक्सीडेंट किए हैं, तो 1 से ज़्यादा देखो 30 से 125 और 60 और 22 और 18, ये सारे क्या है, 1 से मोर देना है ना, तो इन सबको ले लो आप 1, इन सबको टोटल करेंगे तो अपने 2225 आएगा, तो टोटल 30 से 50 साल के जो ड्राइवर थे उन्होंने टोटल एक्सीडेंट कितने किए हैं, उन्होंने एक्सीडेंट किए हैं एक साल में 225 एक्सीडेंट किए हैं, 225 एक्सीडेंट किए हैं, तो 225 अपॉन कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 2000 हो जाएगा,